Hey, what's up guys, welcome back to my channel. In this video I'm going to show you how to bypass Nokia 3 Android version 8. Yes guys, as you can see, this is the Nokia 3 handset in my hand, and this mobile is asking to verify with Google account which was previously signed on this device. Yes guys, if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and press the notification bell. हाँ गाइस, आइए देख लेते हैं Nokia 3 एंड्रॉयड वर्जन 8 को कैसे बाईपास करते हैं। तो गाइस देख लेते हैं, इसके लिए आपको सिंपली मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये वाईफाई कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। और गाइस ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको रिमूव करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर बॉक्स या डोंगल के ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। और गाइस आइए देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। और गाइस इसको रिमूव करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, और मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होगा, मैं उसको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस देख सकते हैं, दिस इज़ द नोकिया हैंडसेट एंड it's asking to verify with your Google account. हाँ गाइस आप देख लीजिए, सिंपली आपको इसको बैक करके फास्ट स्क्रीन पे जाना है गाइस, और आपको विजुअल सेटिंग में जाना है। ठीक है, जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा टॉक बैक। ओके गाइस, टॉक बैक सेटिंग्स में जाने के बाद इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन हो गया है। अभी यहाँ पे एल की तरह खींचना है, अभी जाना कहा है टॉक बैक सेटिंग्स में। ओके, टॉक बैक सेटिंग्स में जाने के बाद दो फिंगर यूज़ करके ऐसे नीचे जाइए, और यू विल सी देयर हेल्प एंड फीडबैक। ओके गाइस, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल के प्लस और माइनस, ठीक है, दोनों को एक साथ में थोड़े टाइम के लिए प्रेस करके रखना है। ठीक है, ओके गाइस, अभी क्या करना है, नीचे टर्न ऑफ इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी गाइस, इसको ही क्लिक कर देना है। टॉक बैक ऑन है फिलहाल, अभी कोई बात नहीं, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद डबल क्लिक एंड आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बटन दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करते रहिए। हाँ, हो गया है। अभी डायरेक्ट आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप उसको डबल क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, करने के बाद नो थैंक्स पे क्लिक कीजिए, जस्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइम ले जाएगा गाइस ब्राउज़र ओपन होने में। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है, ठीक है गाइस। क्लोज कर देना है डबल क्लिक करके, और यहाँ पे सर्च करना है एपेक्स लॉन्चर, ठीक है गाइस। एपेक्स लॉन्चर, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है, ओके गाइस। और दो उंगली प्रेस करके आपको नीचे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो ओपन हो गया है। होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको नॉर्मली, सॉरी गाइस क्लिक नहीं हुआ, इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है, अभी यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गाइस, इसमें डबल क्लिक करना है। एक बार में नहीं होता तो कोई दो एक बार ट्राई कीजिए। हुआ नहीं है, बैक कर लीजिए। हाँ गाइस, सिलेक्ट हो गया है, अभी येलो कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ओके मार दीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है गाइस, कोई बात नहीं, आप ट्राई करने से आपका हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है, अभी एक बार बैक कीजिए, करने के बाद दोबारा बैक आ जाइए। आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड दिखेगा, ठीक है गाइस। डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद देख सकते हैं ये एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर देना है नॉर्मली। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गाइस, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। नोकिया 3 एंड्रॉयड पर वर्जन 8 का FRP रिमूव इतना आसान भी नहीं है। अभी ओपन कर लीजिए, करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसको ऑन कर देना है, एलो फ्रॉम दिस सोर्स, डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद ये एलो हो गया है, ठीक है गाइस। अभी एक बार बैक जाना है, बैक जाने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। हाँ, अभी ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है और उसके बाद सेटिंग्स में जाके टॉकबैक को ऑफ कर लेना है, ठीक है। इसमें क्लिक कीजिए, करने के बाद आपको नीचे जाइए, दो उंगली प्रेस करके, और उसके बाद सेटिंग्स मिलेगा, सेटिंग्स में जाइए। जाने के बाद आप नीचे जाइए, एक्सेसिबिलिटी, इसमें जाइए, जाने के बाद और नीचे जाइए, टॉक बैक ऑन देख सकते हैं, इसमें ऑफ कीजिए। हाँ गाइस, ये टॉक बैक ऑफ हो गया है। ठीक है, अब एक काम करना है, आपको डायलर पे जाना है। डायलर पे जाने के बाद स्टार हैश देख सकते हैं, स्टार हैश 3727 3727। ठीक है गाइस, और उसके बाद 33 ## ओके, ऐसा आ जाएगा। इसको रहने दीजिए और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आप पीसी में जाना है। पीसी में जाने के बाद एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह है उसका सॉफ्टवेयर, देख सकते हैं। इसको ओपन कर लेना है और बाईपास FRP है, इसमें राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी अभी एक काम करना है आपको, रिसीवर टेस्ट। ओके गाइस, रिसीवर टेस्ट इसको ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको इसमें USB लगा देना है। ठीक है, मैंने लगा दिया है। अभी इसको एलो कर देना है। ओके गाइस, एलो दिस, हाँ। और उसके बाद देख सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको कोई भी की प्रेस कर देना है। करने के बाद ऐसा आ जाएगा और उसके बाद दोबारा आपको इसको राइट क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है गाइस, और इसको छोड़ देना है। ठीक है, और फिर से दिखाता हूँ आपको। ऐसा करने से यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, उसको ओके कर देना है। करने के बाद बाईपास FRP में जाके ओपन करना है। ठीक है, और इसके बाद खुद ब खुद FRP ले लेगा। अभी इसको कोई भी की प्रेस कर दीजिए, मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, फिलहाल कर दिया। अभी इसको ओके मार दीजिए, यस मार दीजिए। मारने के बाद वॉल्यूम आप और पावर की प्रेस करके होल्ड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम होल्ड कीजिए। हाँ गाइस, देख सकते हैं अभी मोबाइल रीस्टार्ट होके ऑन हो जाएगा। और उसके बाद Nokia 3 एंड्रॉइड वर्जन 8 का FRP चला जाएगा, आप देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस ये। हाँ गाइस, इसको क्लोज कर दीजिए। करने के बाद आपका यह Launcher 3 सिलेक्ट करना है। ठीक है, Launcher 3 सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं अभी आपका मोबाइल जो है बाईपास हो गया है। अब नॉर्मली एक काम करना है आपको, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है गाइस, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फैक्ट्री रीसेट मार देना है। सिस्टम में है जो, यह देख सकते हैं रीसेट है, और रीसेट हो जाने के बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट, रीसेट फ़ोन, रीसेट एवरीथिंग। एंड गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको वेट करना है मोबाइल रीस्टार्ट होके पूरा ऑन होने तक। हाँ गाइस, ये 3 से 4 मिनट लेता है, कोई बात नहीं। हाँ गाइस, ये हो गया है, अभी देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। हाँ गाइस, ये हो गया है। हाँ, अभी नॉर्मली मोबाइल को सेटअप कर दीजिए आप। इसको अभी ईमेल बाईपास नहीं मांगेगा, स्किप कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें क्लिक कीजिए, करने के बाद स्किप का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नॉट नाउ पे। नॉट नाउ पे and guys you can see we have successfully removed the Google account from this mobile. So guys, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।